हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विकास किंग में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का प्रीवियस पेपर सॉल्व करवाऊंगा, जीके जीएस का उस लेवल का पेपर आता है। तो फ्रेंड बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर बिना देरी किए। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र खालिस्तान द्वारा लिखा गया था, तो पतंजलि इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हल्दिया बंदरगाह को खालिस्तान के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था, तो कोलकाता बंदरगाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोकिच कॉर्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा उत्तरी अमेरिका। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट है, लावड़ी खालिस्तान की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा महाराष्ट्र। तो फ्रेंड देखो, लोक नृत्य से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको लोक नृत्य की भी अच्छे से तैयारी करना है क्योंकि आपका एग्जाम निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा जर्मनी का बीमार संविधान। तो फ्रेंड मौलिक अधिकारों से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उसको भी पढ़ लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है, तो फ्रेंड एक क्वेश्चन आया है भारत का संविधान से, तो आपको भारतीय संविधान भी अच्छे से पढ़ना है, यानी दो एक से दो क्वेश्चन भारतीय संविधान से आते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 143 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभंग मुर्दा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है, त्रिभंग मुर्दा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है, तो उड़ीसी जो है वो त्रिभंग मुर्दा की शैली से जुड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका करेक्ट रहेगा गरबा। यानी देखो फ्रेंड, 4 क्वेश्चन लोक नृत्य से आ चुके हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 9, लंदन शहर खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है, लंदन शहर खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर रहेगा थेम्स, थेम्स नदी के किनारे लंदन शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है, विपक्ष के नेता भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। राजस्व घाड़े की गणना के लिए निम्न में से कौन से गुणसूत्र का उपयोग किया जाता है, तो राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पानी के कितने ग्राम से एक मोल 6.022×10³³ पानी के अणु बनता है, यानी बनाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 18 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है, तो इसका राइट आंसर रहेगा वंशाणु। ठीक है फ्रेंड, ये साइंस के क्वेश्चन है। नेक्स्ट को देख लेते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये तो आपको सभी को पता होगा कि बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति खालिस्तान है, राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति खालिस्तान है, तो न्यायिक समीक्षा के अधीन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, मेट्टर बांध किस नदी पर बनाया गया है, मेट्टर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो कावेरी नदी पर मेट्टर बांध बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है, तो बैकलाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, तो एक क्वेश्चन है खेल से रिलेटेड, तो आपको खेल भी पढ़ना है,
FIFA फीफा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल में जो है वो जूट कारखाने में, मतलब पश्चिम बंगाल में जूट कारखाने स्थित हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा औसत गति, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर को पूरा किया गया है, मतलब पूरा किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा राजा राज चोल ने, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बजरयान जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, सांसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री खालिस्तान की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 6 महीने तक, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर से कम करता है, यानी निम्नलिखित में से कौन तरल वाष्पीकरण की दर कम करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सतह क्षेत्रफल में कमी के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है? और ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? पीयूष ग्रांति। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना को भी आपको पढ़कर जाना है एग्जाम देने के लिए। जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, वन भूमि जिसे और अधिक हॉर्स से संरक्षित किया जाता है उसे खालिस्तान के रूप में जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा संरक्षित वन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा पैरासीटामोल जो है वो एंटीबायोटिक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, खालिस्तान एक निश्चित न्यूनतम राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आरक्षित नकदी निधि अनुपात, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? स्थिति परक विवेक, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किस से संबंधित है? तो चोल से संबंधित है, चोल साम्राज्य से संबंधित है। क्या चीज है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा चोल साम्राज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, खालिस्तान की सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत जोड़ा गया है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित हैं? तो बजरंग पुनिया जो है वो कुश्ती से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। योग में भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है भुजंग को। नेक्स्ट को देख लेते हैं, निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 ए भी संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अरबी की संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट को देख लेते हैं, तुर्की की राजधानी कौन सी है? ये है वर्ल्ड जियोग्राफी का क्वेश्चन, तो आपको वर्ल्ड जियोग्राफी भी अच्छे से पढ़ना है। तुर्की की राजधानी कौन सी है? तो अंकारा जो है वो तुर्की की राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट है,
सामान मूल स्तर में एक स्तर वृद्धि को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। मुर्दा स्फीति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 39 को भी देख लेते हैं, किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो सांसद के विशेष बहुमत के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा एक खालिस्तान स्थापित किए जाने की उम्मीद है। तो नियम आधारित व्यापार व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल जी में व्यक्त किया जाता है? तो कार्य और ऊर्जा को जूल जी में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, वास्तुकला की वंगा शैली निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, पेरियर टाइगर रिजर्व निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित है? पेरियर टाइगर जो है वो केरल से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस वर्ष में खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो वर्ष 1900 में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो सीमेंट जो है वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। देखो रबड़ कृषि आधारित है, ऊन भी कृषि आधारित है और कपास भी कृषि आधारित है, लेकिन सीमेंट जो है वो कृषि आधारित नहीं है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, कौन सा शब्द जुड़ो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है? तो रोमन रिंग जुड़ो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज्यादा आबादी है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है, दंड के समरूप को बदले बिना दंड की आबादी को कम करना खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सजा, दंड, क्षमा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आर्यभट्टीय, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर फ्रेंड आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड नेक्स्ट को देख लेते हैं, ये आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फिर GK GS आपका समाप्त हो जाता है। खेल बास्केटबॉल का आविष्कार खालिस्तान द्वारा किया गया था, तो जेम्स नाई स्मिथ द्वारा खेल बास्केटबॉल का आविष्कार किया गया था। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।